हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, आप अगर किसी कारण से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अनइंस्टॉल कर दूं, अपने व्हाट्सएप की जो ऐप है, तो मेरा अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो फिर भी व्हाट्सएप के ऊपर रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले व्हाट्सएप की जो अपनी एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ओपन हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सबसे लास्ट वाले जो सेटिंग का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अकाउंट्स, चैट्स, नोटिफिकेशंस। तो आपको यहाँ पे अकाउंट के अंदर जाना है। अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और लास्ट में आपको डिलीट माय अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप डिलीट करेंगे अपने अकाउंट को तो जो आपका अकाउंट है वो व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। आपका जो भी मैसेज हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी और आपके जो ग्रुप से जो भी है, जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, जो भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई जो पेमेंट हिस्ट्री है तो वो भी डिलीट हो जाएगी। यहाँ से अगर आप डिलीट करेंगे तो आपका गूगल ड्राइव पे जो डाटा है, जो चैट है, वो भी यहाँ से डिलीट हो जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे कह रहा है चेंज नंबर इंस्टेड, मतलब अगर चाहें तो आप यहाँ पे चेंज नंबर पे क्लिक करके, अगर आप अपना अकाउंट डिलीट ना करना चाहें तो यहाँ से आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डिलीट योर अकाउंट कन्फर्म योर कंट्री कोड एंड एंटर योर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आपसे ये कंट्री पूछ रहे हैं, इंडिया है, ठीक है। और जिस अकाउंट से आपने, जिस नंबर से व्हाट्सएप बनाया हुआ है अपना ये, तो आपको वो फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे आप फ़ोन नंबर डालेंगे उसके बाद आप यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज आएगा जिसमें आपसे रीज़न पूछेगा कि आप क्यों करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप को डिलीट। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। आपको कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं या फिर आपने कोई नया फ़ोन लिया है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो उसमें तो आप अदर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसे सिलेक्ट करना है। और फिर उसमें भी आपको नीचे यही सेम डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जो इसमें नेक्स्ट पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट माई अकाउंट पे, उस पर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो व्हाट्सएप से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को, जो व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप अकाउंट को, उसे आप परमानेंटली अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।